देशी कट्टी की नोक पर महिला के साथ बलात्कार करने का किया प्रयास। पति करता है महाराष्ट्र में मजदूरी, 2 दिन तक कमरे में बंद करके रखा। दिनारा थाना क्षेत्र की महिला ने एसपी से न्याय की मांग की है। महिला ने बताया कि घर में आकर युवक ने देशी कट्टी की नोक पर बलात्कार करने का प्रयास किया। दिनारा थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने बताया कि मेरा पति पूना महाराष्ट्र में मजदूरी करता है। 14 अगस्त की सुबह 7 बजे घर पर नाबालिग 2 पुत्रियां थी। मैं घर के बाहर अपने मवेशी भैंसों का गोबर इकट्ठा कर खेत पूरा में फिरने गई थी। तभी हरप्रसाद पुत्र किशोरी प्रजापत निवासी ग्राम चौसीजा थाना दिनार अपने हाथ में देशी कट्टा लेकर आया और भुरिनिया से हाथ पकड़ दिया, जबरन नीचे पटक दिया, बलात्कार करने का प्रयास किया और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। मेरे चिल्लाने के बाद मेरी दोनों बच्चियां आ गई। इसके बाद धमकी देकर कहा कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। महिला ने बताया कि आरोपी ने मेरी मवेशी को दूसरे स्थान पर बांध दी है और स्वयं देशी कट्टा और धारदार हथियार लिए घर पर डेरा लगाकर बैठा है। मैं और बच्ची 2 दिन तक कमरे में बंद रहे। पति को जब मैंने इसकी जानकारी दी तब मौके पर आकर हमें कमरे से बाहर निकाला। युवक गांव में अवैध शराब कारोबार करता है। महिला ने एसपी से न्याय की गुहार की है। एसपी साहब के साथ आओ, क्या समस्या लेके आओ? छेड़खानी करी है उसने, हमने झटका पटकी खूब करोड़ डारा है। हम किसने की है? हर पास साथ में कौन है ये? कुमार है, जात के कुमार है। हाँ। क्यों की है, किस बात को लेके? तेरा हमें अपना इज्जत लेना है, छोड़ूंगा नहीं कह रहा है मैं तुझके लिए। और रिपोर्ट करेगी तो 4 लाख रुपए तेरे संग लगा दूंगा मैं। थाने में शिकायत की थी? करी थी, सो कला घूमने नहीं है, लड़ाई मड़ाई था, पैसे पटक चुके हैं लोग थाने में। हाँ, कब से परेशान कर रहा है वो आपको? वो अपन को वैसे तो 3 साल से परेशान कर रहा। तो आपको परेशान करता है या गांव में किसी और को परेशान करता है? वो तो अपने में परेशान कर रहा, हम अंत के भवे लुगा, हमें अकेले हैं, हमें परेशान करता है, हमारा कोई परिवार नहीं है। अकेले रहते हो क्या आप? अकेले रहते हैं। आप क्या करते हैं? आप किसानी करते हैं, हमारा आदमी बाहर रहता है, मजदूरी करते हैं। तो वो बार बार आपको परेशान क्यों करता है? वो जो कहता है कि इज्जत ले लंदन मुझ के लिए, फिर मैं मतलब तुझसे कुछ नहीं कहूंगा मैं। तो थाने पे शिकायत नहीं करते आप? यान करते हैं, थाने पे शिकायत सुनते नहीं है। थाने वाले क्या कहते हैं? कहते हैं क्या मतलब कुछ लड़ाई बात नहीं है, भाग जाते हैं यहाँ से, कोई लड़ाई नहीं है, कह रहे ना आ जाती हूँ बार बार भी। तो वो पैसे पटक देते हैं थाने वाले जो कहते हैं। शनिवार के दिन आए थे, सुनाई नहीं दी कसम। व्यक्ति साहब ने क्या बोला? अगर हम गए नहीं है, हम जो चाहते हैं कि हम सीधी बात हमसे बोले ना, हाथ नहीं लगाए, अपनी इज्जत अपने गांव में रखें, हमसे नहीं बोला कोई भी।